नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। बॉलीवुड में इन दिनों नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले स्टार्स पर निशाना साधा था, जिसमें करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और महेश भट्ट समेत कई हस्तियों के नाम शामिल हैं। वहीं कंगना ने इस इंटरव्यू में तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड एक्ट्रेस बता दिया था, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। इस लड़ाई के बीच अनुराग कश्यप ने भी कंगना पर बैक टू बैक 5 ट्वीट कर निशाना साधा, जिसके बाद कंगना ने उन्हें करारा जवाब देते हुए मिनी महेश भट्ट बता दिया था। वहीं अब अनुराग कश्यप ने इस मामले पर बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि वो दोनों दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने कंगना और तापसी पन्नू के बीच शांति दूत बनने की कोशिश की। अनुराग ने कहा, वो और कंगना क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन दोनों के बीच खटास तब आ गई जब मैं और तापसी एक पुराने इंटरव्यू में कंगना पर पूछे गए सवाल को लेकर हंस दिए। कंगना उस चीज से आहत हो गई। अगर आपको दुख हुआ तो मैं माफी मांग लूंगा। यही तो दोस्त करते हैं, लेकिन वो उस मोड में है कि अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप मेरे दुश्मन हैं। बता दें कि फिल्म मनमर्जियां के प्रमोशन के दौरान अनुराग कश्यप और तापसी साथ में थे। इस दौरान तापसी ने कंगना को सलाह देते हुए कहा था कि वो कुछ भी बोलने से पहले डबल फिल्टर लगाया करें। रंगोली ने तापसी को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि कुछ लोग कंगना को कॉपी करके ही अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पहचानता। यहां तक कि ट्रेलर में उनका नाम तक नहीं लिया जाता। तापसी जी, आप सस्ती कॉपी बनना बंद करें। कंगना को इतना कुछ बोलने वाले अनुराग कश्यप अब उनसे माफी मांगने के लिए तैयार है। खैर, कंगना उन्हें माफ करती है या नहीं ये तो वही जाने। वैसे आपको क्या लगता है, कंगना को अनुराग को माफ कर देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।